हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल कंपनियों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट का अपडेट देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो मार्केट है वो हल्की सी तेज़ी के साथ दोस्तों क्लोज हुआ है 17,833.35 के आसपास। मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग लिया था, आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लोज से ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तो प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 17,798.75, मार्केट ओपन होता है 17,923.35। ठीक है, सेम प्राइस का हाई लगाता है, ठीक है, और लो लगाता है 17,886 का इस प्राइस पे। ठीक है, मार्केट में एक बार फिर से हाई लेवल से गिरावट हमें देखने को मिली है। और इसी बीच हम देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में ऐसे कौन कौन से इंडेक्स थे जिनमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बाज़ार के जितने भी इंडेक्स हैं सभी का हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली नज़र जा रही है दोस्तों अभी आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत शानदार मोमेंटम किया, करीबन 2.25% की तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, तो जिस भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियां हैं, ठीक है, तो उसको काफ़ी यहां पर राहत मिली होगी तेज़ी देखने के बाद। उसके साथ ही आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी 0.5% की तेज़ी, ऑटो में भी 0.5% की तेज़ी है, और FMCG में हल्की सी तेज़ी। ठीक है, फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनेंस में हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली, मीडिया में भी हल्की सी गिरावट, और मेटल में भी अच्छी खासी मतलब तेज़ी हमें देखने को मिली। मतलब ओवरऑल कंडीशन में अगर देखें तो हमारे जितने भी इंडेक्स थे दोस्तों एकदम बराबर क्या करे, ट्रेडिंग करे। आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा लीड किया तभी हमारा जो मार्केट है हल्की सी तेज़ी दिखा पाया। अदरवाइज़ ऑटो, बैंकिंग, FMCG ये भी आईटी के बराबर अगर पॉजिटिव रेट है तो हमारा मार्केट करीबन 1-1.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हो सकता था। खैर, आगे देखेंगे कि मार्केट का माहौल किस प्रकार से रह सकता है और कितने दिन के अंदर अंदर दोस्तों मार्केट हमारा 18,000 का लेवल ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो जैसा भी मार्केट के रिलेटेड और भी कुछ अपडेट आता है नया पुराना, ठीक है, तो हम डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी फटाफट से क्या करिए, ऑन कर लीजिए कि फटाक से नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं जो न्यूज़ है सबसे रिलेटेड वो हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लाइव मिंट की साइट के ऊपर लाया हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों वो PBR और इनॉक्स के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि 11 अक्टूबर जो ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। ठीक है, क्योंकि PBR और इनॉक्स का मर्जर सभी को पता है होने वाला है, तो शेयर होल्डर और जो क्रेडिटर है, ठीक है, जो क्रेडिटर है उनके बीच में एक मीटिंग होने वाली है। ठीक है, 11 अक्टूबर, मतलब जो दोनों कंपनियों के बोर्ड मेंबर है उनके रिलेटेड, शेयर होल्डर के रिलेटेड और क्रेडिटर के रिलेटेड 11 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में शायद हो सकता है कि इन दोनों कंपनियों का मर्ज करने से रिलेटेड बातचीत हो और इनका शायद हो सकता है वोटिंग हो कि इन दोनों कंपनियों को मर्ज करना है या नहीं। ऐसे बहुत सारे जो भी फंडा है दोस्तों हमें देखने को मिला था उस मीटिंग के अंदर। ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो हमें 9 सितंबर के आसपास देखने को मिलती है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ है, ठीक है, वो पूरी तरीके से दोस्तों मार्केट में छाई हुई है PBR और इनॉक्स से लेके, क्योंकि मर्जर होने वाला है ये अपडेट आ चुका है, डेट भी हमें देखने को मिलने लगी है, और जो NCLT उसने तो पूरी तरीके से अप्रूवल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी ये देखने को मिल रही है क्योंकि जो PBR है और जो इनॉक्स है दोनों की कंडीशन अभी बेकार तरीके से हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी जो बॉलीवुड का जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो किसी भी मूवी को हिट नहीं होने दे रहा है। सभी मूवी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर पैसा देके क्या हो रही है दोस्तों, बन रही है, वो पैसा मूवियाँ नहीं कमा पा रही है, थिएटर में पब्लिक नहीं आ रही है, जिसके कारण दोस्तों इन दोनों के बिज़नेस पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि इनका बिज़नेस अगर आप देखेंगे तो 2020, ठीक है, 2020 से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे, अभी जो करेंट आज का जो दिन है वो पकड़ लीजिए, अभी तक सही ढंग से इनका बिज़नेस नहीं चला है। ठीक है, थोड़ा वो ट्रैक पे आया था लेकिन फिर से दोस्तों ये ऐसा जो कंडीशन बना है ये फिर से इनके बिज़नेस को ले डूबेगा। मतलब कंडीशन अगर आप देखें तो काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बाहर न्यूज़ और भी देखें, सबसे पहले और मैं मीटिंग का कुछ अपडेट दे देता हूं आप लोगों को। तो जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिलेटेड रहेगी। आपके टेक्स्ट मैसेज पे, आपके ईमेल पे आपको दोस्तों
जो लिंक है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो 11 अक्टूबर को जो डेट है, ठीक है, और ट्यूसडे का दिन है, और जो समय रहेगा वो 11:30 बजे रहने वाला है दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों को क्या है ये मीटिंग ज्वाइन करना है, जो कि मीटिंग चलेगी दोस्तों 3 बजे के आसपास तक की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र जो अभी रिलीज़ हुई है हाल फिलहाल में, उसका भी बायकॉट वाला जो सेशन है वो चल रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चूक जाने के आशंका, PVR इनॉक्स के निवेशकों के डूबे 940 करोड़ रुपए, क्योंकि जो स्टॉक है दोस्तों इस डर से काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। आप अगर देखेंगे तो सभी जगह हमें यही न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पिक्चर काफ़ी दोस्तों महंगे दाम पे बनी हुई, लगभग 400 करोड़ रुपए सुनने में आता है, और उसके साथ ही आप डर का माहौल देख सकते हैं स्टॉक में कितना खतरनाक बना हुआ है। लगभग 5-5.5% स्टॉक गिरा है PVR का, 833 रुपये पर क्लोज हुआ है। 5 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 दिन में करीबन 3% गिरा हुआ है, 1 महीने में 9% स्टॉक गिरा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों जितने भी अभी तक मूवियाँ लॉन्च हुई है सबका दोस्तों बॉयकॉट सेशन हमें देखने को मिला है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है मर्जर वाला, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर के लिए। लेकिन दोस्तों अभी जो बॉलीवुड में ट्रेंड कर रहा है जो बॉयकॉट वाला सेशन, वो दोस्तों इन दोनों कंपनियों के लिए बेकार न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, PVR और इनॉक्स के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड कंपनी को हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कंपनी के लिए हम द इकोनॉमिक टाइम की साइट के ऊपर आए हैं दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर से रिलेटेड हम आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टाटा मोटर के जो मेन आदमी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिनका नाम शैलेश चंद्र जी है, वो दोस्तों बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल 2023 मतलब अभी चल रहा है, इस साल के अंत तक वो टोटल लगभग दोस्तों Q1 Q2 Q3 Q4 तक, ठीक है, ये चारों क्यू में मिला के लगभग 50,000 जो कार है, ठीक है, वो सेल कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली की, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक सेगमेंट की इतनी सारी कार अगर दोस्तों यहाँ पर सेल हो जाती है टाटा मोटर्स की, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन टाटा मोटर्स की हो सकती है, क्योंकि अभी टाटा मोटर्स को दोस्तों कौन ऊपर लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो सेगमेंट है वही दोस्तों टाटा मोटर्स को ऊपर लेके आ रहा है। और जो हमारे शैलेश चंद्र जी है, ठीक है, जिन्होंने 9 तारीख को ये अपडेट हमें प्रोवाइड किया है, और इन्होंने और भी कुछ बोला है अपनी कॉमेंट्री में, तो इन्होंने बोला है कि 2030 आने वाला जो 2030 है तब तक दोस्तों पूरे ऑटो इंडस्ट्री में 30% का जो मार्केट कैप है वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट का हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती है, ट्रक, टेम्पो, ऑटो, दो चक्के वाली, 3 चक्के वाली, 4 चक्के वाली, 16 चक्के वाली, जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, ऐसा बताया गया इनके तरफ से, वो सबको मिला के दोस्तों 30% तक मार्केट यहाँ पर कैप्चर कर लेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्रेज बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और यही दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री की जो फंडामेंटल कंडीशन है वो सुधारने पर तुला हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा हमें देखने को ये न्यूज़ मिल रहा है शैलेश चंद्र की जी के तरफ से, जो कि दोस्तों टाटा मोटर्स के MD हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम जो टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लास्ट सेशन में जो टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, 1% की तेज़ी के साथ स्टॉक 446.50 रुपये पर क्लोज हुआ था। 5 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 दिन में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसका एक और कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट में उतरने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका भी इसको प्रेशर अब झेलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है। इसने अभी तक जितने भी फीचर अपनी अलग अलग कारों में दिए हैं उसने उठा के पूरे एक ही कार में दे दिए हैं, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति वहां पर जाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो टाटा मोटर्स के साथ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है, और भी इसके रिलेटेड जैसा न्यूज़ आएगा हम आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट कंपनी उसके रिलेटेड जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की साइट के ऊपर लाया हूँ, और जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों वो है ट्राइडेंट, जो कि दोस्तों काफ़ी छोटी कंपनी है और धीरे धीरे करके अभी क्या करिए ग्रो कर रही है। तो बेड लाइन का जो प्रोडक्शन है वो अभी ड्रॉप हो चुका है करीबन 37% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो अगस्त का प्रोडक्शन का डाटा निकल के आया दोस्तों उसमें हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है, ये न्यूज़ दोस्तों सितंबर 10 का हमें देखने को मिल रहा है, मतलब अभी हाल फिलहाल का। तो देखा जाए दोस्तों जो ट्राइडेंट के लिए ये कंडीशन काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ट्राइडेंट का शेयर छोटा सा है दोस्तों, ठीक है, तो इस न्यूज़ का असर उस शेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। और मान लीजिए अगर इसी प्रकार से कंपनी अपना बिजनेस करती है, ठीक है, तो Q1 के नंबर में भी दोस्तों काफ़ी ख़राब हमें कंडीशन ट्राइडेंट की देखने को मिल सकती है। अब अगर इसके शेयर का परफॉर्मेंस हम देखें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक के शेयर में करीबन 1.25% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, 39.70 रुपये तक का ये स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। 52 बिक का लो देख सकते हैं। इसमें भी कुछ बीच में ऑपरेटर ने गेम खेला था, जब स्टॉक का प्राइस दोस्तों काफ़ी ऊपर तक ऑपरेटर लेके गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही पेनी कंपनी थी, आप देख सकते हैं 2001 में कंपनी आई थी, 2014 तक इस कंपनी का कोई मोमेंटम नहीं था। आप 2015 तक धीरे धीरे कंपनी करके ऊपर आने लगी, आप देख सकते हैं। लेकिन 2020 में ये पूरी डाउन हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों 2020 में जिस प्रकार से सभी बिजनेस को ग्रोथ मिला था, तो ट्राइडेंट के भी बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिला था। और जो PLA स्कीम लॉन्च हुई थी दोस्तों पेंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी ट्राइडेंट का काफ़ी ज़्यादा नाम आया था। ठीक है, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, पेपर इंडस्ट्री में जो काम कर रही है, बैथ लाइन में काम कर रही है, उसके साथ ही अगर हम देखें केमिकल सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी को हर बिजनेस से एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये कि कंपनी Q2 के नंबर में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली, क्योंकि नंबर देखने लायक होंगे कंपनी के किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो ये था दोस्तों 3 कंपनियों के रिलेटेड अपडेट, ठीक है, जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया। अब आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली बेसिस तक ऐसे बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों को मार्केट के रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं। देन उसके साथ ही आप अपना जो डिसीजन है इन न्यूज़ के बेसिस पे ले सको। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।